आज आपको पंजाब और हरियाणा की सिविल जज को क्या-क्या सुविधा मिलती है? काफी अच्छी सुविधा है, मैं खुद शॉक हो गया कि ये सुविधा भी है। कई राजस्थान में नहीं है, अदर स्टेट हो गया, मैंने वीडियो बनाया उधर भी नहीं है। पूरा वीडियो एंड तक देखें, आपको सब पता चलेगा क्या क्या सुविधा है पंजाब और हरियाणा में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे पंजाब और हरियाणा सिविल जज को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एंट्री लेवल से, पहली पोस्टिंग से क्या क्या सुविधा मिलती है, उनकी सैलरी क्या है, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई हुआ है क्या नहीं हुआ। पंजाब और हरियाणा में तो दोनों की फैसिलिटी सेम है, क्योंकि एक ही हाईकोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, आपको पता हो, नहीं पता मैंने बता दिया आपको। तो फैसिलिटी सेम है, पर पंजाब और हरियाणा का पेपर अलग अलग होता है। पंजाब में पंजाबी भी आती है, पंजाब का जो पेपर होता है, पर सुविधा एक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने वहां के जज से बात करी पंजाब के, और उनकी शायद पोस्टिंग पटियाला है कहीं है, तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बताया, प्रमोशन का ही बताऊंगा, इनका फिक्स है, थोड़ी जनरली उन्होंने बताया कि जनरली हो जाता है, तो प्रमोशन का ही बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, सिक्योरिटी बताऊंगा, सारी सुविधा बताऊंगा क्या क्या मिलता है अलाउंसेस। तो वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लॉ से रिलेटेड, जुडिशियल रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। आप मेरी प्लेलिस्ट देखे, जाके मेरी वीडियो देखे, मैंने काफी टॉपिक कवर कर रखे हैं। और कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप लोग फॉलो भी कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई करता हूँ। बात करते हैं, सबसे पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं, और ये मैं एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, एंट्री ले पहली पोस्टिंग से बात कर रहा हूँ, यानी कि कोई एडीजे, मैं सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। देखो, इनका प्रमोशन है ना 10 से 11 साल में हो जाता है, जो सिविल जज होता है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जनरली 10 साल में एसीजेएम बन जाते हैं, और फिर एडीजे का टाइम 15 साल में ही एडीजे बन जाता है, और फिर प्रमोशन होके डीजे कैडर, फिर हाईकोर्ट, ये रहता है। अगर आप छोटी उम्र में लगे हो तो आप हाईकोर्ट तक ही पहुंच सकते हो। अभी राजस्थान में 6 जुडिशियल ऑफिसरों को हाईकोर्ट में प्रमोट किया गया है, तो इस पे वीडियो बनाया था मैंने, तो ये है। अब बात करते हैं कि कार की फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती सिविल जज को वहां पे। कार की फैसिलिटी नहीं है, और ये काफी स्टेटों में प्रॉब्लम है, कार की सुविधा नहीं है। मैंने कम से कम 7-8 स्टेट कवर कर दी आज, पर पंजाब और हरियाणा को कवर कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली का ही बताया, बिहार का ही बताया, यूपी का बताया, गुजरात का बताया, एमपी का बताया, राजस्थान का बताया, उत्तराखंड का बताया, तो इनमें मैंने देखा कि कार की सुविधा कई स्टेटों में नहीं है, कई स्टेटों में पूल फैसिलिटी है, यहाँ पे कार की सुविधा नहीं मिलती। बट एक अच्छी बात यह है कि पंजाब हरियाणा में सिक्योरिटी मिलती है 24 आवर, पीएसओ भी मिलता है, गनमैन भी मिलता है पंजाब हरियाणा में, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जुडिशरी में। जैसे राजस्थान में नहीं है पीएसओ, काफी स्टेटों में नहीं है, बिहार में है बट पीएसओ, और गुजरात में भी नहीं है, एमपी में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, पर पंजाब और हरियाणा में पीएसओ मिलता है, 24 घंटे की सिक्योरिटी मिलती है। दिल्ली में भी घर के लिए होमगार्ड मिलता है, और हरियाणा हरियाणा का मैंने बता ही दिया, पंजाब और हरियाणा का, कि पीएसओ मिलता है। फिर बात करते हैं घर, घर मिलता है, बंगला मिलता है। देखो, हरियाणा और पंजाब तो वैसे ही फेमस है, मतलब पंजाब और हरियाणा तो वैसे ही फेमस है, वहां की नौकरी कहते हैं कि या एक तरीके का डेमो है। हरियाणा जुडिशियल में मरते हैं लोग लगने के लिए, तो हरियाणा और पंजाब में बंगलो मिलता है। अब अगर फिर भी कोई बंगलो नहीं मिले तो आपको एचआरए मिलता है, फुल हाउस अलाउंसेस फुल मिलते हैं, आप चाहे 50,000 कर लें, 40,000 कर लें, 25,000 कर लें, आपको पूरा पैसा गवर्नमेंट दे देगी वापस। तो मैंने आपको घर मिलता है, एचआरए मिलता है फुल, फोन के 750 रुपये मिलते हैं पर मंथ, ये राजस्थान में ज्यादा है, तो ये पंजाब में कम है, 750 पर मंथ मिलता है फोन के पैसे। और बिजली पानी का भी हाफ बिल मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता, बिजली पानी का भी हाफ बिल मिलता है, बिजली पानी का भी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ना, जितना होगा, 1,000 आया तो 500 लगेंगे, तो ये आधा पैसा मिलता है बिजली पानी का। मेडिकल की फैसिलिटी भी है, मेडिकल की फुल, जितना भी आपका खर्चा होगा गवर्नमेंट उठाएगी, और 1,000 रुपये आपको पर मंथ भी मिलता है एक मेडिकल अलाउंसेस, वो ऐसे ही देते हैं आपको कि आपकी कभी दवाई, मतलब महीने में कोई दवाई ववाई आ रही हो तो उसके लिए 1,000 रुपये दे देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी फुल मिलती है, आपका इलाज कितना भी खर्चा होगा आपको पूरा पैसा मिलेगा। अब बात आती है पेंशन की, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, आप गवर्नमेंट कह रही है पंजाब में कि लागू कर देंगे, शायद लागू होने ही वाली होगी, पूरा प्रयास चल रहा है पंजाब का। हरियाणा में नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि बीजेपी अभी, बट आप ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू हो गई, छत्तीसगढ़ में भी हो गई, हिमाचल प्रदेश में भी हो गई, और आप करने वाली है पंजाब में, पंजाब में भी हो जाएगी लागू,
बट हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती, एनपीएस ये नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है, इसमें पैसा कटवाना पड़ता है आपको, और ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कोई पैसा नहीं कटवाना पड़ता। तो ये रहता है, पेंशन की फैसिलिटी पंजाब और हरियाणा में अभी नहीं है, पर पंजाब में आ जाएगी जल्दी, ओपीएस जब लागू हो जाएगा आ जाएगी, और हो गया हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, अभी शायद नहीं हुआ मुझे जितना पता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज भी मिलता है, कभी आपका जब ट्रांसफर हो जाता है, कहीं जाते हो आपको ट्रांसफर कर देते हैं, तो बेसिक पे फुल मिलती है आपको एक, मैं बताऊंगा आपकी बेसिक पे क्या रहती है, एंड तक देखें वीडियो, आपकी बेसिक क्या रहती है इसमें, तो पूरा पैसा मिलता है, और जो किलोमीटर के पैसे मिलते हैं आपको, एक बेसिक तो फुल मिलेगी मिलेगी, और किलोमीटर के पैसे मिलेंगे, जितना ट्रांसपोर्ट में आपका लगा है, ट्रक किया आपने, उसका पैसा भी मिलेगा पूरा। अब बात करते हैं फर्नीचर की, फर्नीचर का पैसा मिलता है हर 5 साल में, ये लगभग 1,25,000 के आसपास मिलता है हर 5 साल में, फर्नीचर वर्नीचर लेना हो आपको, सोफे टेबल डाइनिंग टेबल जो भी है आपकी इच्छा, फर्नीचर का पैसा मिलता है हर 5 साल में, मिलता है 1,25,000। अब बात आती है डोमेस्टिक हेल्पर मिलता है क्या नहीं मिलता, कई जगह ऑफिशियली नहीं है, जैसे राजस्थान में ऑफिशियल नहीं है, गुजरात में भी ऑफिशियल नहीं है, बट मिलते हैं, और बट यहाँ पंजाब और हरियाणा में ऑफिशियली डोमेस्टिक हेल्पर मिलता है, घर के काम करने के लिए मिलता है, ऑफिशियल है मतलब गवर्नमेंट का आदेश है, और राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, तो ये चीज है यहाँ पे अच्छी चीज, दो चीज अच्छी मिली मुझे यहाँ पे, डोमेस्टिक हेल्पर ऑफिशियली मिलता है और गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, और पीएसओ मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है 24 आवर, और हरियाणा पंजाब तो वैसे भी क्राइम वाले ज्यादा स्टेट है तो मिलना भी चाहिए, और लास्ट टाइम आपने सुना भी होगा गुड़गांव के एडीजे साहब के हस्बैंड मतलब वाइफ और बच्चे पे गोली चला दी थी पीएसओ ने खुद नहीं, वो केस भी आपने सुना होगा, तो देख लेना सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो ये तो सारी फैसिलिटी थी, ये अलाउंसेस थे पंजाब और हरियाणा के, और आपको देखना है दिल्ली एमपी यूपी गुजरात उत्तराखंड राजस्थान और बिहार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे उनके भी डिटेल में बताया, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, मैं जस से बात करता हूँ स्टेट के तब जाके वीडियो बनाता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं सारी स्टेट कवर कर दूं इंडिया की, अब मैं हिमाचल का भी लेके आने वाला हूँ, और मेरी हिमाचल से बात हो गई मेरी, उड़ीसा के लिए भी बात हो गई मेरी, तो दोनों का वीडियो भी जल्दी आएगा, और वेस्ट बंगाल वाली मैं ट्राई कर रहा हूँ, उधर भी मेरी बात हो जाएगी तो वेस्ट बंगाल का भी लेके आऊंगा, ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब ना फेसबुक, कहीं नहीं मिलेगा सोशल प्लेटफॉर्म में, आप सर्च कर लो, मैं तो सर्च करके देख चुका हूँ, मुझे तो कहीं मिला नहीं, और जो भी मिल रहा है ना वो वैसे ही है, सुनी सुनाई बातें लिख रखी है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ही है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मैंने ही दिया आपको, तो इतना तो बनता ही है, आप सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल को मेरे, और जुडिशरी को प्रमोट करो, इस चैनल को प्रमोट करोगे तो जुडिशरी अपने आप प्रमोट हो जाएगी, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की उनको पता नहीं है क्या क्या सुविधा मिलती है, हाँ अपनी सैलरी तो रही गई है, सैलरी तो पता कर लो, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई हो चुका है पंजाब और हरियाणा में, तो एंट्री लेवल की बेसिक पे बता देता हूँ, वो सेम है जो ऑल ओवर इंडिया काफी स्टेटों में अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, मतलब 78,000 के आसपास बेसिक है, उसका 38% डीए है, तो ये लगभग 1,32,000 भी क्वेश्चन मुझे पता है पूछोगे आप कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे पूछोगे सर फुल कितनी होगी, तो एंट्री लेवल पे मान के चलो 1,30,000 के आसपास सैलरी हो जाती है, इंडिया में जुडिशरी की सबसे हाईएस्ट सैलरी है, और ट्रेनिंग में फुल सैलरी मिलती है, एक केवल इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी देखोगे ना गवर्नमेंट, तो ये जुडिशरी है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है स्टार्टिंग से, और मैंने आईएएस और जज की सैलरी के कंपैरिजन पे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग शौक हो जाओगे कितना अंतर है, जजों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना, और जल्दी आएगा उड़ीसा हिमाचल प्रदेश का और वेस्ट बंगाल की मैं ट्राई कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र के भी कमेंट आते हैं तो महाराष्ट्र वाले मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, कोई मिल जाए मेरे को सिविल जज, जब तक सिविल जज से मेरी बात नहीं होती मैं वीडियो नहीं बनाता, बार बार कह रहा हूँ, तो उधर भी मेरे को मिलेगा ना, कईयों ने पूछा दिल्ली का पूछा बिहार का पूछा, मैंने सब कवर कर दिए, और उत्तराखंड का ही पूछा, हिमाचल का पूछता है, हिमाचल से भी मेरी बात हो चुकी है हिमाचल के जज से, तो उसका भी आ जाएगा, उड़ीसा के जज से मेरी बात हो चुकी है, हरियाणा पंजाब की मैंने बना ही दिया, कल ही बात हुई है तीनों से, तो इसलिए मैं बना पा रहा हूँ वीडियो, तो आज मैंने हरियाणा पंजाब का डाल दिया है, और वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करके जाना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करो, और आजकल यूट्यूब आज इतना इंप्रेशन भेजता नहीं है, तो आप लोग शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।